दो तीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनिमल पॉइंट पीको ऑफिशियल और कैटल मार्केट कराची। तो क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से ठीक ठाक है। तो आज की वीडियो आपको ज़रा अभी पता चलेगा कि अभी हम लोग कहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले उस सवाल का जो मैं एक जवाब दे दूँ कि जिन लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि भाई फरहान भाई की परचेजिंग हो गई नहीं, कि फरहान भाई की परचेजिंग हुई या वो नहीं हुई, क्या वहीं से फरहान भाई ने जमील मेमन सोसाइटी से ही मतलब कि जो भैंस है वो एक उठाई या वो नहीं उठाई। तो उसका जवाब वो ये है कि भाई हम वहाँ गए थे और एक हमारा सौदा, जैसे कि एक आप लोगों ने देखा था कि वो एक सौदा नहीं बन पाया था, और उसके बाद ये है कि फिर वो फरहान भाई चले गए थे भैंस कॉलोनी मंडी और वहाँ से उन्होंने भैंस उठाई थी। तो अभी ज़रा फरहान भाई से भी वो एक मालूम करते हैं कि आया उनको क्या किस रेट के ऊपर पड़ी। तो और अभी जो है मुजम्मिल भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे जो एक सवाल है, कॉमन सवाल है यार, मुझे एक चीज़ के ऊपर एक थोड़ा सा मतलब डाउट हुआ कि यार लोग ये पूछ रहे हैं कि यार जो फरहान भाई हैं वो तो मुजम्मिल भाई की टीम के बंदे हैं या फरहान भाई जो है मुजम्मिल भाई के बंदे। तो दोस्तों मैं एक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई जहाँ पे मैं मुजम्मिल भाई या मानी भाई या हाज भाई हूँ तो वहाँ पे कोई टीम वीम की कोई एक आपस में बात नहीं थी। अगर आप इस बात को भी एक अगर आप क्लेरिफाई कर दें तो एक हमारा कोई एक आपस में एक ऐसा नहीं आता और कोई इसमें कोई टीम वीम वाली बात नहीं है। फरहान भाई इसमें शौकीन बंदे और जिसके पास टाइम होता है मौका मिलता है तो वो बंदा चला जाता है। भाई मुजम्मिल भाई के पास मौका नहीं था, मुजम्मिल भाई के नहीं जा पाए क्योंकि इनके एक अपना ऑफिस होता है, रात का एक ड्यूटी होती है तो सुबह एक इनके लिए एक उठने को मुश्किल होती है। मुझे एक मौका मिला तो भाई मैं चला गया। तो जी मुजम्मिल भाई कुछ अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। मैं बस इस हवाले से यही कहूँगा कि देखें, एक शायद किसी ने कमेंट ये किया था कि फरहान भाई फाइनेंसर है मुजम्मिल भाई के, अल्लाह माफ करे। नहीं 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 ऐसी, हाँ अल्लाह माफ करे यार ये तो भाईजान फरहान भाई जो है बेसिकली वो सब्सक्राइबर हैं, फैन हैं और फ्रेंड हैं, ठीक है। ये इनसे हमारे तीन रिश्ते हैं और मानी भाई के साथ, नुमान भाई के साथ, वहाज भाई के साथ, हर किसी के साथ जो है फरहान भाई की मुलाकात भी रही है और वो जब भी यानी कि उनका दिल चाहता है मंडी घूमने का तो वो हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं, हमें से जो अवेलेबल होता है। इस बकरीद में मैं ज़्यादा अवेलेबल था उनके साथ, तो मेरा ऑफिस साथ जो है उनके साथ एक ओपनी, फिर अभी इन्होंने जब वो पाड़ा वगैरह ख़रीदना था तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे पास ऑब्वियसली ऑफिस जॉब की वजह से टाइम नहीं था, मदद कर ली तो वो नुमान के साथ चले गए। तो इसमें अल्लाह माफ करे किसी किस्म की कोई फाइनेंस करना या ये करना, मतलब नेगेटिविटी जो है ना वो मैं समझता हूँ नुमान भाई ख़त्म नहीं हो सकती, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो बाकी बदगुमानी जिसने करनी है वो कर ले, अपनी अपनी सेंस है, अपनी सोच है, जो गुमान करना चाहे किसी मुसलमान को कर ले, वो आपके आपके ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो जरा मुजम्मिल भाई जरा अभी चलते हैं, जरा भैंस भी वो एक दिखाते हैं जरा, ठीक है भाई। एक उसकी वो फरहान भी आ गए, इसमें हमें पीछे भी आ गए, उससे ज़रा रेट पहले मालूम करते हैं, रेट फरहान भाई से अभी हम लोग पूछना भूल गए। तो अभी ज़रा फरहान भाई को लेके आते हैं। जी भाई फरहान भाई, 1,08,000 के लिए अरे फरहान कुछ बोल रहे अच्छा भाई दोस्तों यार ये अभी हमारे साथ मौजूद हैं फरहान भाई और माशाल्लाह से एक इन्होंने भैंस लेके आए हैं और आई गेस दूसरे झोल की मुझे लगी है वैसे जहाँ तक मुझे एक आइडिया है, लेकिन माशाल्लाह वजनदार है, ठीक ठाक वजन में अच्छी अच्छी वो लगी वजन में जो हाँ एक झोल की सिंगल जूल तो चलो वो एक आप हाँ ठीक है हाँ ठीक है, वो एक वो है डिबेट, वो एक लंबी डिबेट है, ठीक है वो एक हम लोग वो करेंगे अलग से करेंगे। फरहान भाई हमारे साथ मौजूद है ना, हाँ मैं चाहता हूँ वो जो एक अभी सवाल था एक बंदे ने कमेंट किया था कि फरहान भाई माजल्ला मेरे या नौमान के किसी के भी जो है वो फाइनेंसर है, हाँ जरा फरहान भाई आप खुद बता दें कितना आपने जो है ना फाइनेंस किया है हमें, कितना माल लगाया हुआ है। फाइनेंस नहीं है, मानी भाई हो गए, मुजम्मिल भाई हो गए, नौमान भाई वो सब मेरे दोस्त हैं। क्या बात है, तो सारे मेरे दोस्त हैं यही एक हाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, एक छोटा सा एक सब्सक्राइबर है मेरा रज्ञान, सही है नौमान का भी है, उसकी रिक्वेस्ट आई थी बकरीद में मुझे, मैं उसके घर भी गया था, उसकी वीडियो भी बनाई और दो चार उसके इलाके में सब्सक्राइबर्स थे, जब मैं वहाँ किया तो उन्होंने भी उनसे अप्रोच किया, उनके भी करके उनकी वीडियो बनाई। किसी किस्म का अल्लाह माफ करे किसी किस्म का जो सब्सक्राइबर जो शौकीन होते हैं ना उनसे 1 रुपए की लालच नहीं होती। क्या बात है, हकीकत बात है, 1 रुपए की डिमांड करी कोई फरहान भाई आपने अल्लाह की मेहरबानी कुछ है, हम तो भाई भाई हैं, फार्मर से जरूर डिमांड करते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम लगाते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, वो लगाते हैं। मेरी अगर आपने करंट कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी हो तो वो एक अगर आप खुद एक अगर आप बताना चाहें तो उसके ऊपर मैंने क्या मैंने या मैंने खुद भी मेंशन किया, मैंने कहा भाई शौकीन आज़ाद के लिए वीडियो सो हाजिर है, इवन कि उसमें आप ट्रैवलिंग कन्वेंस वगैरह कुछ भी नहीं, आप जहाँ होगे इंशाल्लाह अगर कराची में मौजूद हो तो हम आएंगे। हाँ उसमें मैंने एंड के ऊपर ये ज़रूर मैंने मैंशन कर दिया कि भाई अगर आपको मार्केट निगरानी है तो सॉरी टू से भाई उसके पैसे हैं, तो वो मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह मुजम्मिल भाई लोग समझते हैं आप इस चीज़ को, उनको पता है कि वो एक होती मेहनत होती है
तो खैर इस जो बात को जो एक शॉर्ट सी रही, डिबेट रही, वो एक अच्छा हो गया, वो एक हो गया, क्लियर भी हो गई है, तो एक ऐसी भाई कोई भी बात नहीं है भाई। अच्छा भाई दोस्तों, सीन वो ये है कि इस भैंस की क्या कुर्बानी होने जा रही है। तो भाई दोस्तों, अब वो वक्त आ गया कि जब ये भैंस जो है वो आप क्या खुलने जा रही है। इसकी दो रस्सियाँ, अच्छा एक दो और तीन रस्सियों पर भाई बंधी हुई है, तीन रस्सियों से बंधी हुई भैंस है भाई जान ये। ओए होए 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 होए। तो बेसिकली ये जो है फरहान भाई ने ये उठाई है, भैंस उठाई है, ठीक है ना। ये आई गेस बाकड़ी होती हैं जो जिसको हम कहते हैं कि जो मीट पर्पज़ के ऊपर ही यूज़ हो रही होती हैं। ज़रा भाई ज़रा तीसरी रस्सी खोल रहे, ज़रा भाई क्या हो गया, जंजीर से तो नहीं बंधी हुई, क्या हुआ, ये दबा रही है, काटनी पड़ेगी। ओए होए, चलो भैया ये सीन ये है कि ये दो रस्सियाँ तो खैर हुई हुई हैं, लेकिन तीसरी रस्सी अब इसकी काटनी पड़ेगी। और तकरीबन कि आप लोगों को ये मीट वेट में कितनी लग रही है, ज़रा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अभी ये मीट वेट में कितनी होगी, ठीक है भाई। अच्छा भाई दोस्तों, इसकी जो रस्सी है वो अल्लाह भला करे, इसकी रस्सी अभी काट दी है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह है भाई। दोस्तों ये भैंस है, तीन रस्सियों के ऊपर रखा हुआ है, और जो एक रस जो एक आपको दिख रहा है उसे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओहो हो, चलती राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट होकर चलती है, होए होए ये चेक करो। ओहो ले गई ले गई ले गई ले गई। अच्छा भैंस की वैसे जो जो चलती वो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट होकर चलती है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। यह चेक करो ज़रा, बाहर से आपको दिखाए थे। ओहो हो, ये चेक करो भैया। बेटा बेटा साइड पे, साइड पे, साइड पे, कैमरे से हटो। लो भैया, असल में जो रश है, रश की वजह से जो है ना वो काफ़ी जो सीन थोड़ा सा ऑफ। लो भैया, इसको दो रस्सियाँ दे दी हैं, एक आगे वाले गुड्डे पे, एक इस वाले गुड्डे के ऊपर दरवाजे के ऊपर दी हुई है। तो मैं हाल में इसको ये शायद बांध बांध के गिराएंगे ज़रा। ये भाई फंदा भी मार रहे, आपको अभी दिखा देते हैं ज़रा, आगे चलिए भी क्या सीन रहेगा, फंदा मारेंगे इसको। चलो भैया आपको दिखा भी देते हैं ज़रा, दोनों पाँव के ऊपर सिंगल निकालेंगे। चलो भैया ये हो गया, रस्सी बांधना कब सीखेगा भैया, फुल टाइम में हम लोग प्रोफेशनल हैं। चलो भाई फासला बनाओ जरा, थोड़ा फासला बनाओ भैया, चेक करो भैया, इसका समझो कि आखिरी वक्त आ चुका है, और ये ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन ओ हो हो बेटे, जगह दो थोड़ी सी, आप थोड़ी जगह दो, शायद महल उछले की भी। बेटे बेटे साइड पे, साइड पे हो, साइड पे, साइड पे हो, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी समझ से बाहर है फिलहाल। तो एक और महल में फंदा मारेंगे, शायद हमें रस्सी शायद थोड़ी सी शॉर्ट पड़ गई है, नहीं नहीं वो वाली वो जो जो बांध रहे हैं उसमें हल में है ना, तो शॉर्ट हो गई है थोड़ी सी। अच्छा छुरी कौन पहनेगा ये तो बताओ, कान में खुद पहनेंगे। चलो देखते हैं जरा क्या सीन है, बेटा आप लोग कैमरे से दूर रहो। चलो भाई अब गई है, अब गई है, अब शायद हमें चांस नहीं है, अब पिछली टांगे टांगे वगैरह भी बनेंगी इसकी। चलो भाई, चलो भाई दूर दूर बेटे, पीछे रहो आप लोग, शायद में हमने पिछली टांगे भी बांधेंगे या वो क्या सीन, हाँ पिछली टांग भी दे रहे हैं। बेटा कैमरे से थोड़ा सा दूर हो, ओहो ये मस्ती मेरी, अब शायद शायद इसको लग गया, पता चल गया कि इसका आखिरी वक्त आ चुका है भैया, अंदाजा हो चुका है पिछले टांग के ऊपर, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं वो एक रस्सी इसको बांधी है।
और तकरीबन ये इसकी जो सिंह के जो गाँव से लग रहा है कि थोड़ी सी बड़ी है इसकी भैंस है, ठीक है। लेकिन ये कि मीट पीट तो माशाल्लाह मुझे एक अच्छा लग रहा है। और बाकी एक आप लोगों को दिखा दूँ कि जो जो देग वगैरह जो एक माँ रखी हुई है वो भी एक सीन होगा। अभी ज़रा ये रस्सी इसकी रस्सी वही कभी खोल दी है, वो एक माँ माँ वाली रस्सी खोल दी है। आप ये उछलेगी या क्या क्या सीन होगा वो एक आप लोगों को दिखाते हैं। YouTube चैनल ये एक दो तीन ओए सिंह में देख लो, सिंह में देकर ओए मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। ये घुटना टेक दिया, घुटना टेक दिया, चेक करो जरा, नीचे बैठानी है तुमको। एक दो तीन और गर्दन, इसकी गर्दन है में ना ये ना, ओ बिस्मिल्लाह, ये दो ले लिए इन्होंने। और समझो कि आप जो अगली वो जो पिछली जो टांगे हैं वो एक आपस में मिला जाएंगी। और ये लॉक हो गया, ये भाई आगे मुंडी पे आ गए। हाँ भैया कितना जोर लगता है गर्दन पे भैंस की? अच्छा भाई ने बस एक पाँव रख दिया अपना, काफ़ी है। ये लो भाई चौकड़ी, चारों पाँव जो हैं तो बांध दिए गए इसके भैंस के। ज़रा इनको ज़रा सुनवाते हैं, ज़रा तो नहीं है क्या बोल रहे हैं, ज़रा ये भी आप लोगों को ज़रा इधर सुनवाता हूँ। क्या बात कर रहा है, ये वाला थोड़ी है बर्तन वाला का। तकरीबन क्या होगी वजन में, क्या होगी ये गोश, गोश में गोश में आठ मन है गोश में। चलो भाई भाई का ये एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। फरहान भाई डर रहे थे अच्छा सलाह कौन मेरेगा आप में से, फरहान भी आप भी रहेंगे? अरे वाह भाई वाह, बेहतरीन सीन है भाई, हैं देख ले आप कर लो चलो। नहीं नहीं यार मैंने जिंदगी में नहीं किया सच्ची बात है, दबा करके देखो। नहीं नहीं यार प्रैक्टिस नहीं करनी। तो भाई ये फरहान भी खुद इसको सल्ला फेरेंगे, बस ये कि जगह नरम की जा रही है, एक आप लोगों के सामने है। बस बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए भाई। इस जानवर के लिए फरहान भाई के हाथ में छुरी आ गई है। बेटा पीछे पीछे यार मेहरबानी करके जरा पीछे पीछे हो जाओ थोड़ा थोड़ा सा, तेल लगा कर सर तुम बोलो तेल लगा कर। ओए ओए भाई वो बता रहे हैं कि तेल लगा कर, तेल लगाने का मतलब ये समझ में नहीं आया इनकी टम में क्या हो। मैं तेल लगाए कह रहे हैं कि तेल लगाया कर, कह रहे हैं तेल लगाया कर हाथ पे। अब ये नहीं पता सिंह में पैर रखेगा, ये नहीं कहां से लगाया कर, वो ने तेल बोला क्या बोला भैया? इसकी बहुत खुशी हो रही है, ये वजह हो सकती है, ये बात है जनाब बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं फहीम भाई, जिन्होंने फरहान भाई की जो भैंस को मतलब कि वो किया ज़िबा किया। और मुझे जो एक इनकी जो सबसे अच्छी जो बात वो लगी कि भाई इन्होंने छुरी जैसी फिरते साथ ही हट गए, ये एक बहुत एक अच्छी बात होती है कि जबकि जो एक प्रोफेशनल बंदा होता है उसका एक हाथ सेट होता है वो खाल उतार के तो एक मारता है। तो आप ही बताएं कि एक आपने अपने हाथ को कैसे रोका, या आप जब आप ज़िबा करते हैं तो आप क्या वो एक मारते हैं मतलब कि दिल के ऊपर भी मारते हैं? नहरा नहीं करते, हाँ नहरा नहीं करते आज तक किसी जानवर पर नहरा नहीं किया। सही है ठीक है, तो किसी का जानवर आराम करने का शौक नहीं है। सही बात है, मतलब कि एक अपना टाइम दे ठंडा हो और उसके बाद बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा होने के बाद जो करना करो। अच्छा एक एक बात है कि आप कुछ कसाईयों को अगर आप चैलेंज करें कि भाई अगर अगर आप करना चाहें कि ठंडा होने के बाद आठ मंथ की बच्चे को आप कितने टाइम के ऊपर आप क्या मैं तो कर सकते हो, चार पीस कर सकते हो? आप चार पीस की बात कर रहा हूँ, ठीक है 10 मिनट में। तो अगर कोई भाई अगर ऐसा मौजूद है कि जो 10 मिनट से अगर कम के ऊपर कर सकते हैं तो वो जरा वाला भी है मेरे पास। अच्छा कि 5 मिनट वाला भी है, आपकी सिगरेट खत्म नहीं होगी, चार टुकड़े हो जाएंगे, चार टुकड़े हो जाएंगे। चलो भाई बेहतरीन है कि अगर कोई एक ऐसा भाई अगर देख रहा हो हमारी वीडियो तो वो ज़रा लाजमी कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे एक उनका क्लिप बनाएंगे। तो भाई यार ये सब बच्चे नाराज़ हो रहे हैं, आ जाओ कैमरे में हाथ ही ला दो सारे, ठीक है चलो भाई। अच्छा भाई दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको फरहान भाई की जो भैंस की कुर्बानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में किस नेक्स्ट पॉट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।